अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम करीब 8 बजे लव जिहाद और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी देखने पहुंचे। भोपाल के अशोक लेक व्यू कैंपस में बने ओपन थिएटर में सीएम ने मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह और अन्य मंत्रियों परिजनों के साथ थे। इस दौरान द केरला स्टोरी की अभिनेत्री अदा शर्मा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर विपुल साय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि द केरला स्टोरी की पूरी टीम के साथ मैं अपनी टीम को लेकर फिल्म देखने आया हूं। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर हमारी बेटियां अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है, जिसके चलते उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। देश विरोधी कृत्यों में उन्हें फंसा दिया जाता है। यह बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्म है। द केरला स्टोरी को देखने के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और जगदीश देवड़ा भी पहुंचे। सारंग ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से समाज को जगाने की जरूरत है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोग जो ऐसी समस्याओं के पीछे है, वो लगातार फिल्म का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध इस बात को इंगित करता है कि यदि देश में आतंकवाद और हमारे संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र होता है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस और वाम दल का ही हाथ है। थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने टैक्स भी बनाया तो उनके लिए धन्यवाद। और लोग देखें ये फिल्म और अवेयरनेस स्प्रेड करें। इस देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री का गौरव दिया, और हमारी फिल्म को, हमारे इस विषय को और बेटियों को बचाने के इस मुद्दे को सबसे पहला सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। विवाह के बाद फिर जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, वो हमको सावधान करने का विषय है। हमने 10 लोग यहाँ पकड़े, 6 हैदराबाद में पकड़े गए। मध्य प्रदेश को केरला स्टोरी नहीं बनने देंगे, कठोरतम कार्रवाई।